5,44,000 की स्मैक के साथ अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर सीताराम मीणा को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान से आया था शिवपुरी। शिवपुरी जिले की देहात थाना पुलिस ने राजस्थान जिला वारा के छवड़ा के अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर को 27 ग्राम स्मैक कीमत 5,40,000 के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावी ने बताया कि 25 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति 4 लाइन हाईवे शारदा सॉल्वेंट की बाउंड्री के पास बांसखेड़ी के रास्ते पर स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सीताराम मीणा पुत्र चंपालाल मीणा उम्र 24 साल निवासी ग्राम नया गांव बंजारी छवड़ा जिला वारा राजस्थान के कब्जे से अवैध रूप से रखे मादक पदार्थ 27 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत करीबन 5,40,000 को जब्त कर NDPS एक्ट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। क्या पूरा मामला था, कहां से पकड़े? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शिवपुरी द्वारा स्मैक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई के हमको निर्देश दिए गए हैं। उसी तारतम्य में आज मुख्य द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि जिला बारा छवड़ा का जो अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर वो शारदा सॉल्वेंट 4 लेन हाईवे के पास में स्मैक बेचने के लिए आया हुआ है। जिस सूचना पर से पुलिस टीम को भेजकर और मुखर के बताए स्थान से आरोपी को पकड़कर आरोपी से 27 ग्राम स्मैक जब्त की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया। कितनी का कीमत आ गई है सर? ये लगभग 5.5 लाख रुपये की स्मैक की कीमत आ गई हुई है। कहाँ से पकड़े जा रहे हैं आरोपी? ये शारदा सॉल्वेंट जो 4 लेन हाईवे है शारदा सॉल्वेंट के पास इसको। कितने आरोपी हैं सर? एक आरोपी है, एक आरोपी को पकड़ा। पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह? हाँ, इसकी छानबीन कर रहे हैं। जो आरोपी है उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इसमें तस्कर अभी कहाँ का रहने वाला? ये इसमें तस्कर जो है ये जिला छवड़ा का रहने वाला, जिला बारा का छवड़ा का रहने वाला है।